फ्रेंड आप सभी लोग का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास मारुति की बलेनो गाड़ी आई हुई है। फ्रेंड इसमें कस्टमर जी का प्रॉब्लम क्या है, एक तो कंप्लेन है कि अपना मीटर पे चेक लाइट आता है और दूसरा कंप्लेन है कि इंजन मिसफायर करता है और पिकअप भी लो है। जब स्लो में किधर सिग्नल पर खड़ा करते तो पूरा गाड़ी वाइब्रेट करता है। तो हम आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं इसको, देख सकते फ्रेंड। ये देखिए मीटर पे चेक लाइट आ रहा है, ये देखिए, देखिए हमारी गाड़ी चालू भी है। देखिए पूरा इंजन, ये देखिए पूरा वाइब्रेट हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। हम आपको इसका इंजन का पोजीशन दिखाते हैं, देखिए कैसा वाइब्रेट हो रहा है। देखिए आप इंजन देख सकते हैं, तो आपको इसका पानी रखने का, देखिए देख रहे हैं आप, देखिए कितना मिसिंग कर रहा है हमारी गाड़ी। देखिए हमने इसके ग्लास रखा था, गिर गया, देखिए कितना इंजन मिसिंग कर रहा है, हिल रहा है पूरा इंजन। ये देखिए, देखिए ये देखिए कितना मिस फायर कर रहा है पानी, आप देख सकते कितना हिल रहा है। तो मैनुअली चेक करेंगे बिना स्कैनर लगाए, कि बिना स्कैनर लगाए हम इसका चेक लाइट और मिसिंग किस तरह बंद कर सकते हैं। तो ये देखिए, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर का सिलेंडर है, तो इसमें कौन सा सिलेंडर नहीं काम कर रहा है वो हम एक एक सॉकेट निकाल के चेक करेंगे। देखिए ये देखिए, ये हमारा एक नंबर का सिलेंडर काम कर रहा है, ठीक है। ये देखिए हमारा दो नंबर का भी सिलेंडर काम कर रहा है। तो ये देखिए, सॉकेट निकालने के बाद आपका गाड़ी वाइब्रेट होना चाहिए, और जैसे आप ये सॉकेट लगाते हैं वाइब्रेट बंद हो जाना चाहिए। ये देखिए वाइब्रेशन कम हो गया, ठीक है। अब तीन नंबर का हम निकालते हैं, ये देखिए ये भी काम कर रहा है। अभी हम चार नंबर का निकाल के चेक करेंगे, तो देख सकते हैं ये हमारे जैसा है वैसा ही है। देखिए चार नंबर का सॉकेट निकालना कुछ भी काम नहीं हो रहा है, ये देखिए कितना हमारा गाड़ी मिसिंग कर रहा है, देख सकते हैं आप। ये देखिए, देखिए तो इसको हम फ्रेंड क्लियर करने के लिए, कि चार नंबर का कॉइल का प्रॉब्लम है या प्लग का प्रॉब्लम है, हम उसको तीन नंबर का कॉइल चार नंबर में डालेंगे, चार नंबर का तीन नंबर में डालेंगे। फ्रेंड इसमें ऑलरेडी पहले से तीन नंबर का नया कॉइल डाला गया है, देखिए नया है, ठीक है। हमारे चार नंबर का नहीं काम कर रहा, तो हम इसको अल्टी पल्टी करेंगे, देखिए। तो हमने ये अल्टी पट्टी कर दिया है, देखिए तीन नंबर का कॉइल चार नंबर में लगा, चार नंबर का तीन नंबर में लगा। गाड़ी स्टार्ट करो, अब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे और कंफर्मेशन के लिए चेक करेंगे कि हमारा कॉइल का प्रॉब्लम है कि प्लग का प्रॉब्लम है कि कुछ और प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम चार नंबर का सॉकेट निकालेंगे, तो देखिए हमारा चार नंबर का काम कर रहा है, देखिए ये देखिए जैसे हम सॉकेट लगाते हैं मिसिंग बंद हो जाता है, और निकालते देखिए पूरा गाड़ी वाइब्रेट कर रहा है, देखिए। अब हम तीन नंबर का चेक करेंगे जो हमारा काम नहीं कर रहा था, देखिए इसको निकालने पे कुछ भी नहीं होता, देखिए जैसा है वैसे ही, देखिए ये देखिए। इसका मतलब हमारा कॉइल का प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड इसमें एक ऑलरेडी नया कॉइल डाला गया है, गाड़ी बंद कीजिए, ठीक है फ्रेंड। इसमें ऑलरेडी एक कॉइल इग्निशन कॉइल नया डाला हुआ है। तो फ्रेंड हम इसका पहले गाड़ी का किलोमीटर चेक करते हैं कि कितना चला हुआ है, क्या होता है। अगर 1 लाख के ऊपर आपका गाड़ी का किलोमीटर चला रहता है, तो एक कॉइल अगर आप डालेंगे तो क्या होता है, जैसे एक कॉइल आपका ख़राब है समझ लीजिए, एक कॉइल ख़राब होने की वजह से उसको जो बाकी जो कॉइल है उस पर लोड पड़ता है, तो आपका जो किलो कॉइल है वो भी वीक हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, एक कॉइल क्या है, आप एक कॉइल रिप्लेस कर देते हैं। एक कॉइल रिप्लेस करने के बाद क्या होता है, एक कॉइल आपका ज़्यादा पावर देता है और तीन कॉइल जो है कम पावर देता है। इसके वजह से लोड आने की वजह से वो आपका कंटिन्यू, जैसे 2 महीने में 3 महीने में एक एक कॉइल कंटिन्यू आपका तीनों ख़राब होने लगता है। तो आपको इससे अच्छा आपको एक ही काम करना है कि सीधा चारों का चारों कॉइल, जैसे एक कॉइल आपका गया है तो चारों कॉइल और चारों प्लग आप रिप्लेस कर लीजिए। रिप्लेस करेंगे तो आपको 4 से 5 साल इसका प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो अगर आपका एक कॉइल गया है, आप एक कॉइल रिप्लेस करेंगे
तो आप 2 महीने 3 महीने बाद फिर आपका दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा, तो क्या होता है एक आपका कॉइल जो है नया वाला ज़्यादा पावर दे रहा है, 30 कॉइल जो है वो कम पावर दे रहा है, इसके लिए उस पर भी लोड आएगा। तो हम इसका चारों कॉइल, सॉरी एक कॉइल तो हम रिप्लेस किया गया है, कस्टमर ने कहीं और किया है, तो हम इसका तीनों कॉइल और चारों प्लग इस गाड़ी में रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करके फिर चेक करके देखते हैं हमारा जो चेक लाइट है वो चेक लाइट ऑटोमेटिक जाना चाहिए। हमने वायर को डिसकनेक्ट कर दिया, तो देख सकते हैं फ्रेंड हमने इसका चारों प्लग और देखिए 1, 2, 3 तीनों कॉइल हमने नया लाया है, देख सकते हैं MGB का ओरिजिनल, ये मारुति MGB का, ये चारों प्लग हमारा नया है, देखिए NGK का है, देखिए कभी भी आप NGK का डालिएगा, बॉस हाउस का मत डालिएगा, हमने NGK का ओरिजिनल डाला। देखिए सबसे पहले हम चारों का सॉकेट निकाल लेंगे, हमने कॉइल ओपन कर दिया है, अब इसका चारों प्लग हम ओपन करेंगे। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए इसका चारों जुना कॉइल और चारों प्लग हमने ओपन कर दिया है, अब इसमें हम नया प्लग डालने जा रहे हैं, ये देखिए इसका नया प्लग है। फ्रेंड और एक बात है, देखिए जब आप लोग फिट करते हैं तो इसको कभी भी ऐसा ऊपर से मत छोड़िएगा, ऊपर से छोड़ने से क्या होता है जो नीचे का पॉइंट है ये देखिए ये वाला पॉइंट ये बेंड होके इसमें चिपक जाता है, तो आपका जो एक सिलेंडर जिस मतलब जिसमें भी आपका बेंड हो जाएगा वो सिलेंडर आपका काम नहीं करेगा और आपका गाड़ी मिसिंग होएगा। तो इसको कभी भी कॉइल के अंदर ऐसा फंसा लीजिएगा, ये देखिए इस तरह से कॉइल के अंदर फंसा के और इसके साथ डालेंगे आप, तो ऐसे आपको ये देखिए 2-3 थ्रेड ऐसा घुमा लीजिए कॉइल के साथ ही, ये देखिए इस प्रकार से, उसके बाद आप कॉइल बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से चारों प्लग जो है हम फिट करेंगे और फिट करके फिर फाइनल करके आपको दिखाते हैं। देखिए हमने इसको पूरी तरह से हाथ से टच कर लिया, तो फ्रेंड ये हमारा चारों प्लग फिट हो गया है, तो इसमें हमने चारों प्लग नया फिट कर दिया है, अब इसका जो इग्निशन कॉइल है वो हम फिट करेंगे। देखिए सिल्पेक है, देखिए MGP का है, जेनुअन पार्ट, ठीक है, इसको आपको दिखाते हैं। देखिए मारुति सुजुकी जेनुअन पार्ट लिखा हुआ है, देखिए इस बॉक्स पे, ये देखिए सील भी है आपके सामने, हम इसको ब्लेड से ओपन करेंगे। ये देखिए तीन हम आपके सामने नया डाल रहे हैं और एक जो है गाड़ी का जूना डाल रहे हैं जो कस्टमर जी ने चेंज किया था। ये देखिए हमारा एक हो गया, दो हो गया, ये तीन हो गया, और ये जो गाड़ी का ऑलरेडी फिट था कुछ दिन पहले चेंज किया था ये आपका 4 नंबर का हो गया, ठीक है। तो ये हमारा चारों कॉइल और चारों प्लग फिट हो चुका है, जूना आप देख सकते हैं यहाँ पे पड़ा है, तीनों कॉइल और ये आपका चारों प्लग, ये देख लीजिए यहाँ पे हमने रखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसका बैटरी वायर हम टाइट करते हैं, करते हैं और स्टार्ट करके चेक करते हैं कि जो हमारा मिसिंग का कंप्लेन था, पिकअप का प्रॉब्लम था और चेक लाइट का प्रॉब्लम था, सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। हमारी गाड़ी अभी फिलहाल मिसिंग तो नहीं कर रही है, ठीक है, लेकिन हमारा जो RPM का काटा भी स्लो फास्ट होता था वो भी बंद हो गया है, लेकिन मीटर पे अभी भी चेक लाइट है, तो हम इसको थोड़ा रनिंग करके देखेंगे कि रनिंग करने के बाद चेक लाइट ऑटोमेटिक जाता है क्या, अगर नहीं जाएगा तो इसको स्कैनर करके स्कैनिंग से क्लियर करेंगे। तो मैनुअली पहले इसको थोड़ा रनिंग कर लेते हैं, एक बार बाहर दिखाते हैं हम आपको, देखिए जो मिसिंग हो रहा था ये देखिए एकदम साइलेंट इंजन है, देखिए थोड़ा भी मिसिंग नहीं है, पहले पूरा धड़ धड़ करता था, पहले पूरा धड़ धड़ करता तुरंत गाड़ी तुरंत गिलास गिर जाता था, देखिए अभी कोई मिसिंग विसिंग कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम इसका अब एक टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं, टेस्ट ड्राइव लेके चेक कर लेते हैं जो पिकअप तोड़ता था, पिकअप का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्या, मिसिंग तो हमारा बंद हो गया और चेक लाइट मीटर पे आ ही रहा है, हमने आपको दिखाया अभी भी चेक लाइट है, तो क्या रहता फ्रेंड कभी कभी क्या रहता ऑटोमेटिक चेक लाइट चला जाता है, लेकिन स्कैनिंग करके उसको क्लियर करना पड़ता है फुल बोर्ड। तो हम एक बार ट्रायल मार के देख लेते हैं, अगर ट्रायल में अगर चेक लाइट ऑटोमेटिक चला गया
और पिकअप का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो हमारी गाड़ी ओके हो जाएगी, ठीक है। तो अब फिलहाल हमारा पिकअप भी बराबर लग रहा है, देख सकते हैं आप रोड पे, पहले दब के गाड़ी उठती थी, तो देख सकते हैं फ्रेंड हमारा गाड़ी का पिकअप चेक कर सकते हैं। देखिए हमारी गाड़ी जगह पे उठ रही है, देखिए पहले उठता नहीं था, दबता था गाड़ी, देख सकते हैं 80 की स्पीड में हमारी गाड़ी है। तो फ्रेंड हम इसका ट्रायल भी लेके आ गए हैं, देखिए अभी भी हमारा चेक लाइट नहीं गया है, तो हम इसमें स्कैनर लगा रहे हैं और स्कैनर लगा के इसका चेक लाइट का जो फोल्ड है उसे क्लियर करेंगे, चेक लाइट किस कारण से आ रहा है हम आपको बताते भी हैं उसमें क्या फोल्ड है करके, स्कैन करके वो फोल्ड को क्लियर करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड इसमें सिलेंडर 4 का फोल्ड कोड आ रहा है, इग्निशन कॉइल का 3, 2, 4, ये देखिए आपको दिखाते हैं, देखिए 4 का आ रहा था, 2 का आ रहा है, 3 का आ रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें हमने आपको बताया था कि 4 नंबर का सिलेंडर काम नहीं कर रहा है, तो हमने इसमें इग्निशन कॉइल का है जो 4 नंबर मिसिंग सिलेंडर दिखा रहा है उसका इग्निशन कॉइल ख़राब है, इसके लिए 4 सिलेंडर लिख के आ रहा है, ये 2 सिलेंडर लिख के आ रहा है, ये देखिए 3 सिलेंडर लिख के आ रहा है। तो इसमें फ्रेंड ये हमने सॉकेट ओपन किया था इसके लिए सबका आ रहा है, लेकिन मेन इसमें जो है सिलेंडर 4 का प्रॉब्लम था, लेकिन हमने इसमें तीनों इग्निशन कॉइल है जो रिप्लेस कर दिया है, नया डाल दिया है और 4 प्लग भी डाल दिया, तो इसको हम फोल्ड कोड क्लियर करेंगे और क्लियर करके चेक करते हैं। देखिए इसके फोल्ड कोड क्लियर करेंगे ऑटोमेटिक हमारा चेक लाइट चला जाएगा, ये देखिए मीटर पे से देखिए ऑटोमेटिक हमारा चेक लाइट चला गया है, गाड़ी हमारा चालू है, देख सकते हैं 1000 पे हमारा RPM है, देखिए फिर से बंद करके एक बार चालू करेंगे, देखिए हमारा ऑटोमेटिक चेक लाइट चला जा रहा है। तो फ्रेंड हमने इसका स्कैनिंग भी कर लिया, स्कैनिंग करके अब देखिए हम फिर से एक बार गाड़ी स्टार्ट करते हैं, देख सकते हैं हमारे मीटर पे चेक लाइट भी नहीं है, ठीक है, ये देखिए हमारा चेक लाइट भी चला गया है। तो फ्रेंड हम इसका टेस्ट ड्राइव लेके आ गए हैं, देखिए हमारे मीटर पे कोई अब चेक लाइट वेकलाइट कुछ भी नहीं है, ना ही मिसिंग विसिंग है कुछ भी, देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं हमारे कुछ मिसिंग नहीं, RPM का काटा भी देख सकते हैं एक जगह पे है, पहले जो RPM का काटा है वो भी ऐसा ऊपर नीचे हिल रहा था। तो ये हमारा गाड़ी का जो फॉल्ट था, 3 इसमें कंप्लेन थे जो हमने आपको बताया था, एक तो मीटर पे चेक लाइट आता था, दूसरा गाड़ी जो है पूरा मिसिंग करता था, वाइब्रेट करता था, और तीसरा जो फॉल्ट कोड था वो पिकअप तोड़ता था, मतलब तुरंत जैसा आपको चाहिए स्पीड में भगाने के लिए वैसा पिकअप नहीं था गाड़ी में। तो हमारा तीनों जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है फ्रेंड। जो चेक लाइट था वो हमने स्कैनिंग करके क्लियर किया है, क्योंकि क्या है ऑटोमेटिक इसका चेक लाइट नहीं जाता है और गया भी नहीं, हमने ट्राई किया, टेस्ट ड्राइव भी इसके लिए लिया था, तो इसके लिए हमने स्कैनिंग करके इसका जो फोल्ड कोड था वो हमने आपको फोल्ड कोड बताया भी था, वही सिलेंडर का दिखा रहा था, 4 नंबर सिलेंडर का। एक और बात बताना चाहेंगे कि अगर कभी आप वॉशिंग करवाते हैं गाड़ी, तो वॉशिंग करवाते समय अगर आपके वॉशिंग के बाजू में कोई मिस्त्री हो जो आपका इग्निशन कॉइल 4 ओपन करके और उसके अंदर हवा मार के और फिर फिट करके दे सके, तो ही आप पानी मरवाइएगा। नहीं तो क्या होता है, पानी मारने से वजह से क्या होता है, कॉइल के अंदर से ना पानी प्लग में जाके जमा हो जाता है, उसके वजह से भी आपका कॉइल शॉर्ट हो जाता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आपके मिस्त्री अवेलेबल रहे तो ही पानी मारिएगा इंजन में, नहीं तो पानी मत मरवाइएगा, सिर्फ बॉडी में मरवा कर पानी और इंजन में चाहिए तो हवा मरवा कर आप काम कर लीजिएगा। इससे क्या रहेगा, आपका इग्निशन कॉइल ऑयल प्लग प्लग शॉर्ट होने का कोई कंप्लेन नहीं रहेगा, आपका जो इग्निशन कॉइल है प्लग है वो शॉर्ट नहीं होगा। तो इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा।